अरे कवरे आ गए रे। हाँ सर। ठीक, लॉजिक गेट देखो कहाँ गए रे, ये लॉजिक गेट है। ठीक है, ये सब पढ़ लेना इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये कुछ लॉजिक गेट अपने को याद रखना है, ये सब इंट्रोडक्शन थोड़ा तुम लोग पढ़ लो एक बार। अरे लॉजिक गेट वो बूलियन वाले क्या? हाँ वही वही आता है क्या? हाँ सर आता है। लॉजिक गेट बड़ा आसान है, कोई बारी नहीं। सही, अब चलो बुलियन अलजेब्रा वाले ये। ठीक है, अब देखो क्या होता है लॉजिक गेट। होता क्या, प्राइमरी, तीन तरह का प्राइमरी लॉजिक गेट जो होता है, तीन तरह का होता है। एक होता है और गेट, एक एंड गेट और एक नॉट गेट। नो और गेट का मतलब होता है, ठीक है, और गेट का मतलब होता है दो गेट है, ए एंड बी गेट है, और ये क्या है, आउटपुट है, वाई इज आउटपुट। समझ में आया? ठीक है, अब ये और गेट मतलब दोनों में से, जैसे इसको ऐसा समझा जाता है कि ये हमारे पास एक स्विच, ठीक है, इसको ए है, और ये एक और स्विच है, ये बी है। ठीक है, और यहां पर हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, और एक बल्ब लगा दिया। सही, ये हमारा बेसिकली और गेट का सिंबल है। अब देखो, एक को क्लोज किए मतलब वन, और ओपन रखे मतलब जीरो। सही, अरे हाँ सही, सर, हाँ ओपन सर, रखे ओ मतलब ओपन, और वन मतलब, ठीक है, और ये बल्ब जला तो वन और नहीं जला तो जीरो। समझ में आया? जी ठीक हाँ है, सर, अब ए को ओपन रखे, देखो ए ओपन है, बी भी ओपन है, ए भी ओपन है स्विच, और बी भी ओपन है, क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा, तो आउटपुट इज नो। समझ में आया? जीरो। अगर ए ओपन है बी ओपन है तो आउटपुट इज जीरो, मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, हाँ दूसरा, सर, ए जीरो, ए तो ओपन है बट बी क्लोज है, अगर बी क्लोज है क्या ये बल्ब जलेगा? हाँ सर, सर्किट कंप्लीट हो गया ना, ये बी क्लोज है तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, जलेगा, ये हो गया। अगर बी ओपन है और ए क्लोज है तो ये जलेगा, हाँ सर, तब भी हाँ जलेगा, और दोनों क्लोज है तब भी जलेगा, ये जल जाए। ट्रूथ टेबल हो गया। समझ में आया हाँ सर, लॉजिक? समझ में आया क्या? ये और गेट है, और गेट को इस तरह से याद रख, समझ गया है? जीरो हाँ सर, जीरो हाँ तो सर, जीरो, वन तो वन, वन जीरो तो आउटपुट इज वन, मतलब वन वन में वन। सही, मतलब ए क्लोज हाँ है बी क्लोज है तो बल्ब जल रहा है, ये बी वाई मतलब हुआ बल्ब आउटपुट। समझ में आया क्या? बस का करना है, बहुत फालतू चीज। सही, इसके बाद आता है हाँ सर, एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि यही सिंबल इसका जो है सर्किट हम बता दें, ये दो गेट है, ये बल्ब है और ये स्विच लगा हुआ। ठीक है, ये ए है बी है। अब ये बताओ, ए ओपन बी ओपन तो आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ए क्लोज किए तो बल्ब जलेगा क्या? बी ओपन रहा जलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, ए को ओपन किए बी को क्लोज किए जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो इसमें तीन बल्ब नहीं। नहीं जलेगा, ए और बी दोनों क्लोज करोगे तब जाके आउटपुट मिलेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं एंड गेट, और ये इसका सिंबल है, हम तो अभी बनाए नहीं कि भूल गया। अबे सही, ए और बी ये हाँ मतलब सर, हुआ और आउटपुट मतलब वाई ये हुआ, जो बल्ब जल रहा है नहीं जल रहा है, ये एंड गेट का और गेट का सिंबल, ये और गेट का सिंबल है, याद रखना ही। हाँ सर, सही, और हो गया एंड हो गया, और एक होता का नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब हुआ नॉट। कि अगर तुम जीरो भेजोगे तो आउटपुट होगा वन, और वन भेजोगे तो आउटपुट होगा जीरो, बस ऐसे जीरो। ये उसका सिंबल है, ए अगर जीरो तो आउटपुट वन, ये वन तो ये जीरो। समझ में आ? ये नॉट गेट बोला जाता है। प्राइमरी ये तीन गेट ही है। सही, इसके बाद आता है इन गेट का कॉम्बिनेशन, नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट में क्या होता है कि एक एंड होता है, थ्री बेसिक है ना। ठीक है, नैंड गेट में जो आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है, हम एंड गेट के साथ, ये हमारा एंड गेट है ना, इसके साथ एक हाँ नॉट सर, गेट लगा दे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और वाई यहाँ पे लेते आउटपुट, ये एंड गेट है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर मान लेते कुछ खाली, और ये हो गया वाई। एंड गेट में यहाँ पर ये मान लो पी है, तो ये एंड गेट में क्या होता है, जीरो जीरो, तो ये क्या होता है जीरो, जीरो और जीरो का उल्टा ही क्या हो जाएगा, ये जीरो को वन। जाएगा वन, ये जीरो होता है ये वन होता है, तो एंड गेट में क्या होता है, ये जीरो, और इसको उल्टा करके क्या कर देगा, ये वन हो जाएगा।
इसको क्या कर देगा रे ये, और ये वन वन, तो ये वन होता और इसको क्या कर देगा जीरो, समझ में आया। अब ये वाले को मिटा देना, ये एंड गेट का कहानी हो गया, समझ में आया क्या। जो भी यहाँ पी पे तुमको मिला नॉट गेट उसको उलट देगा, ठीक है, तो आउटपुट तुम्हारा ये हो जाएगा, ये कहलाता है नैंड गेट। नैंड गेट मतलब एंड प्लस नॉट गेट। अबे सही, हाँ सर समझ गए, हाँ सर आ गया, अरे समझ गए क्या, ठीक है। इसी तरह से होता है नॉर गेट, नॉर गेट मतलब और गेट प्लस नॉट गेट, और प्लस, तो और गेट हमारा ऐसा होता है सिंबल, अभी हम दिखाए थे तुम्हें, और इसके आगे हम क्या करते हैं नॉट गेट लगा देते हैं। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए और बी में आउटपुट क्या होता है, अगर ये जीरो है तो ये जीरो होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा वन। अबे समझे क्या, ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये वाई, तो ए जीरो बी जीरो तो पी क्या है जीरो, और गेट है ये। हाँ सर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा वन, वन हो जाएगा, ये जीरो ये वन तो ये क्या होता है वन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा जीरो, ये वन ये जीरो तो इसका क्या होता है वन, और ये हो जाएगा जीरो, ये वन वन तो ये क्या होता है वन, और इसका हो जाएगा जीरो। समझ में आया, समझ में आया, इसको गायब कर दो, ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल। अगर सही है, क्लियर है, क्या बके जा रहे हैं, यही गेट है भाई, लॉजिक गेट है, इसी से कई सारे गेट बनाते हैं, ठीक है। और एक जोर गेट होता, पता नहीं कौन कौन गेट होता भाई, ठीक है। नॉट सर्किट डायग्राम तो नहीं आया, सर्किट डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हो तो बहुत भारी नहीं होता, ठीक है। यही अब ये कई सारे गेट ऐसे कर करके बनाए गए हैं, तो तुम अब देख लियो थोड़ा, ठीक है, ये हम पैकेज भेज देंगे, ठीक है, तो तुम उसको देख लियो क्या होता है, सही। ये अलग अलग, हाँ कुछ अलग नहीं, नहीं समझ में आएगा तो बोल दियो, ठीक है। एनसीईआरटी में देखोगे तो ये गेट का कुछ कुछ कहानी दिया हुआ, क्वेश्चन देख लेना, बाकी तो सब ऐसे ही है। अब ठीक है, अब बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, तुम्हारा अब हम सेमी कंडक्टर पढ़ा दिए, इसका पैकेज आज भेज देते हैं, अब भेज दिए कह रहे सेमी कंडक्टर का पैकेज, अभी हम भेज देते हैं, और अब तुम लोग क्या चाहते हो ये बता दो, क्योंकि अब रिवीजन चालू करना है, तो तुम लोग कब से आओगे, अगली क्लास से, अगली क्लास से आ जाओगे, क्योंकि अब अगली क्लास से यहाँ पे क्लास बंद। हाँ सर, ठीक है, अगला क्लास मतलब तुम लोग कब होता है, सैटरडे, तो सैटरडे से रिवीजन चालू कर दें, बोलो रे, ठीक है, तो अब सैटरडे से हम अभी भेज देते हैं सबको मैसेज, पाकी आ सकती है क्या रे बंस। हाँ सर, हाँ सर एक बार बात कर लूंगा मैं। हाँ अब दो घंटे के लिए आना पड़ेगा, एक डेढ़ घंटे के लिए, सप्ताह में कम से कम अच्छा। दिन आ जाओ तो भी चल जाएगा, क्योंकि रिवीजन में क्या करेंगे कि दो दिन क्लास ले लेंगे, दो दिन डाउट डिस्कस कर देंगे, एक दिन तुम लोगों को सीट वीट दे देंगे, ठीक है, तो एटलीस्ट वीक में दो दिन तीन दिन आ जाओगे तो हो जाएगा। तो सर अब मतलब रिवीजन क्या बस। हाँ अब रिवीजन इलेवेंथ का करेगा, फरवरी में तुम लोग का एग्जाम है ना, अब आईटी स्टार्ट है मेंस का 23 फरवरी है ना, फरवरी में, तो थोड़ा रिवीजन कर लो ना, ठीक है, नीट टाइम मिल जाएगा, नीट वालों को भी सबको आना है, ठीक है, इसमें हम नीट वाले के लिए अलग सीट रखे हैं और आईटी वालों के लिए अलग सीट रखे हैं, ठीक है, दोनों का अलग अलग सीट है, सेम सीट नहीं रहेगा और अब सेम टेस्ट भी नहीं होगा। चलो अब सैटरडे को मिलते हैं, अब हम सबको जरा पैकेज भेज दें और सबको कंडीशन बता दें कि भैया कैसे आना है क्या आना है, ठीक है, ठीक है रे। चलो तुम लोग को कोई डाउट आउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो बता दे, और जब आने लगोगे तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ा देंगे, जो जो चीज नहीं हो पाया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ाना बड़ा ऑफलाइन ऑनलाइन बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो क्लास में आओगे तो जो जो तुमको लगता हो बता देना, बोलो।